नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष मनोज ओली के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएए के संबंध में विपक्षी राजनीतिक दल भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएए लोगों को नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता लेने का। लेकिन देश में नागरिकता छीनने का भय दिखाकर सामाजिक वातावरण दूषित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि घर घर जाकर लोगों को सीएए की खूबियों के बारे में अवगत कराया जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी की नगर मंडल इकाई ने भी सीएए के समर्थन में लोगों को पत्रक वितरित किए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने जनपद के 8 मंडलों में इससे पहले जनजागरण अभियान चलाया। जनजागरण अभियान के तहत हमने 8 मंडलों के महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग सेंटरों में हम लोगों ने पत्रक वितरण के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाया। उसके बाद आज हम लोगों ने अपने पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे आज भारतीय जनता युवा मोर्चा हस्ताक्षर अभियान सीएए के समर्थन में पूरे प्रदेश के अंदर चला रही है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने बागेश्वर जनपद में भी आज हस्ताक्षर अभियान चलाया है और सीएए के समर्थन में जितने लोग भी हमारे यहाँ पर आए हैं वो सभी लोग यहाँ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो केंद्र सरकार के द्वारा अपनी लोकसभा राज्यसभा में भारत के संविधान में एक नया अधिनियम जोड़ा गया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा इसके सपोर्ट में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और निश्चित रूप से भारत सरकार का यह पहल है और जो यह अधिनियम है, निश्चित रूप से भारत के अंदर एक नए आयाम को स्थापित करेगा। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।